बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबीन ताहिर और आप देख रहे हैं देसी फूडी फैमिली चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूं कीमा कढ़ाई, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है। कीमा कढ़ाई बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, मैंने लिया है आधा किलो कीमा, आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ जीरा, आधी चमची काली मिर्च, एक चम्मच मैंने धड़ा मिर्च ली है, एक चम्मच सूखा धनिया, नमक हसबे जायका, बड़ा टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक प्याली मैंने ली है दही, पांच बड़े साइज के टमाटर लिए हैं जो मैंने दो हिस्सों में काट लिए हैं, और हरा धनिया और हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए। तो आए बनाना शुरू करते हैं कीमा कढ़ाई। दो से तीन चम्मच खाने की हम लोग ऑयल डालेंगे। इसमें हम प्याज यूज़ नहीं कर रहे, और कीमा भी एक ही तरह मशीन से निकला हुआ है, मोटा कीमा है। सबसे पहले मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो मटन का या चिकन का, जो आपको पसंद है वो इस्तेमाल करें। ये हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, साथ ही मैं इसे कीमा ऐड कर दूंगी, ताकि इसको भी दोनों मिला के हम लोग भून लें। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो रहा है, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि जल जाएगा, फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसमें कीमा ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई करना है। मैं इसमें सबसे पहले नमक ऐड करके इसको फ्राई करूंगी, और बाकी मसाले मैं इसके बाद में डालूंगी। लाल मांग रही हूँ, नमक आपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मैं बहुत ज़्यादा लोग यूज़ ही करते। मैं कीमा का कलर चेंज हो गया है और पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। पहले हम ये पानी खुश करेंगे इसमें, उसके बाद मैं टमाटर ऐड करूँगी। 5 मिनट के लिए मैं ढक के रख रही हूँ, ताकि मीडियम फ्लेम है इसका, थोड़ा ये गल जाए, उसके बाद इसमें हम बाकी मसाले ऐड कर देंगे। 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया था, ताकि कीमा पानी छोड़ दे। इसमें पानी छोड़ दिया, इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। सूखा धनिया, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, हल्दी पाउडर, काली मिर्च, धड़ा मिर्च। बहुत तेज़ खुशबू आ रही है इसकी, तो इसको अच्छे से शामिल कर लेंगे। दो मिनट के लिए ढकना देती ताकि मसाले से अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद मैं टमाटर ऐड करूँगी। स्टेप बाय स्टेप हम सब मसाले इसमें ऐड करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। तो जी नाजी, ढकना था कि देते हैं ज़बरदस्त। ऑयल छोड़ दिए इसमें, मसाले इसमें अच्छे से सही सेट हो गए। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर पहले मैं इसके ऊपर बिल्कुल रख दूँगी, ताकि वो हीट में हल्के सॉफ्ट हो जाए। तब हम छिलका उतार लेंगे, इतने पानी भी छोड़ देगा। मैं 5 मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम पर रख के, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, फिर इसमें से इसका छिलका हम उतार लेंगे, और चमचा हिला के दही ऐड करके इसको मैं रख दूंगी। फिर ये जब फ्राई हो जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो जी नाज़रीन, 10 मिनट तक मैंने इसको दम पे रखा है। अब मैं इसका खोल के देखती हूँ। अभी हम इसका छिलका उतार लेंगे टमाटरों का। अब देखिए, रेस्टोरेंट वगैरह जब वो कढ़ाई वगैरह बनाते हैं तो वो इसी तरीके से उतार लेते हैं।
उनका टेस्ट कितना अच्छा आता है। कितने आसान से मटर के छिलके उतरेंगे। अब मैं इसकी स्लो फ्लेम था, मैं फ्लेम तेज़ करूँगी और टमाटर को चमचे की वजह से तोड़ लूँगी। खाना बहुत आसान तरीका बनाना है, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल चेंज करें तो टेस्ट भी चेंज हो जाता है, लुक भी चेंज हो जाती है खाने की। कीमा सबसे झटपट बनने वाली चीज़ है, गोश्त में थोड़ा फिर टाइम लग जाता है इसको आप बनाने में। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हमारे टमाटर, टमाटर भी पानी छोड़ेंगे इसमें, साथ ही चल जाएगी छिलका एक। टमाटर मैंने बिल्कुल गले में, अगर पानी में भूलूंगी तो ये कढ़ाई तैयार है, लेकिन थोड़ा सा मैं ऐड कर देती हूँ दही, जो मैंने दही रखी हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब टमाटर और दही दोनों पानी छोड़ेंगे, मैं मीडियम हाई फ्लेम पे इसको रखूंगी, थोड़ा सा मैं बारीक अदरक काटा हुआ वो भी ऐड कर देती हूँ और थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड कर लेते हैं, थोड़ी गार्निशिंग भी डालेंगे। अगर आप लोग मसाले ज़्यादा खाते हैं तो आप मसाले ज़्यादा डालिएगा, थोड़ा टेस्ट कर लीजिएगा। मैंने थोड़ी हरी मिर्च थोड़ी डालनी, तो आप 2 से 3 कर दें इसको, बस को मीडियम हाई फ्लेम में मैं थोड़ी देर के रखती हूँ 10 मिनट के लिए, ताकि पानी खुश्क हो जाए। कीमा गल चुका है वैसे तो, थोड़ा धनिया भी डाल देंगे, थोड़ा पक जाएगा, बाकी थोड़ा गार्निशिंग भी डाल देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च, अब इसमें हरी मिर्च ऐड कर दूँ ताकि वो भी साथ में थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, पक जाए। इसलिए मैं टमाटर को तोड़ लूँगी, इसलिए तो जी नाजरीन, मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे सो रखा है 10 मिनट के लिए, और मैं इसका ऑयल छोड़ा शुरू कर दिया, इसने फुल फ्लेम करके इसको मैं थोड़ी देर इसको भून लेंगे ताकि बिल्कुल ऑयल अलग हो जाए। मज़ेदार कीमा कढ़ाई हमारी तैयार है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इस कीमे में बहुत ज़्यादा चर्बी नहीं थी, कब चर्बी वाला कीमा इस्तेमाल करें तो ऑयल थोड़ा कम डालिएगा, फिर वो अपना भी ऑयल छोड़ता है। तो जी नाजरा, जब जब देख रहे हैं कि ऑयल छोड़ दिया, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, बस ये गार्निशिंग इसी कर लेंगे हम, थोड़ा सा इसका धनिया डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा ये गार्लिक, थोड़ा सा अदरक, तो जी हमारा कीमा कढ़ाई तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक भी दीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।